Hello friends, good morning. Today we will read the chapter of unit 9, that's name is Granny, please comb my hair. Granny means hota hai nani ya dadi, means dadi, please comb my hair. Kripya mere baal ko kya karo, comb kar do, means kanghi karna. To aaiye hum is poem ko kya karte hain, padhte hain. Likha hai, do you have a grandparents? Kya aapke paas dada dadi hain? Who does things for you? Jo aapke liye kuch karte hain. Let's read about the granny in this poem. आप granny के बारे में इस poem में क्या कीजिए, पढ़िए. तो यहाँ पे कह रहा है, granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such a care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now, who is a nice girl? तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पोयम को एक बार पढ़ा, अब हम इसको समझते हैं. अब इसमें कहा जा रहा है, granny, means दादी, please comb my hair, कृपया मेरे बालों को कंघी कर दो. You always take your time, तुम हमेशा अपना समय क्या करती हो, देती हो. You always take such a care, तुम मेरा इतना क्या करती हो, इस तरीके से केयर करती हो. केयर मीन्स होता है ध्यान देना. अब यहाँ पे हेयर और केयर की साउंड एक जैसा मिल रहा है, तो इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहेंगे. तो कहती है, ग्रैनी, प्लीज़ कम माई हेयर, कृपया मेरे बालों को कंघी कर दो. यू ऑलवेज टेक योर टाइम, तुम हमेशा समय लेती हो, ठीक है. यू ऑलवेज टेक सच अ केयर, और समय ले करके तुम मेरा क्या करती हो, केयर करती हो, ध्यान देती हो. नेक्स्ट है, You put me to seat on a cushion. तुम मुझे बैठाती हो. To put me seat means होता है तुम मुझे बैठाती हो. On a cushion, एक तकिए पे बैठाती हो. Between your knees, knees means होता है घुटने के बीच में. आप मुझे, तुम मुझे अपने घुटनों के बीच में बैठा लेती हो. You rub means होता है रगड़ना, और little means होता है थोड़ा. Coconut oil means नारियल के तेल से क्या करती हो, रगड़ती हो. Parting gentle breeze, और तुम क्या करते हो, पार्टिंग करती हो. पार्टिंग मीन्स अलग अलग बालों में क्या करती हो, लगाती हो. एज ए ब्रीज मतलब धीरे धीरे सहलाना. अब कहते हैं, ग्रैनी दादी, यू हैव ऑल द टाइम, तुम्हारे पास पूरा समय होता है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम मेरे लिए तुम पूरा समय देती हो, है ना, तुम्हारे पास पूरा समय है. एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब तुम्हारा काम समाप्त हो जाता है, तो यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, तो तुम मेरे हेड को अपने तरफ टर्न करती हो, मोड़ती हो, एंड से, और कहती हो, नाउ, अब हु इज अ नाइस गर्ल, अब सुंदर लड़की कौन है, मतलब तुम मुझे सुंदर बनाने में मेरी बहुत मदद करती हो. तो दादी कितना ध्यान रखती है बच्चों का अपने घर पे. तो आप अपने दादी का सम्मान कीजिए, और आपकी दादी बहुत आपकी क्या करेंगी, देखभाल करेंगी, और करती हैं. तो इस तरीके से हमें अपने बड़ों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिस तरीके से वो हमारा देखभाल करते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें न्यू वर्ड्स. केयर मीन्स होता है ध्यान देना, और क्या लिखा है, केयर. कुशन मीन्स तकिया. नीज मीन्स घुटना. जेंटल मीन्स धीरे धीरे. ब्रीज मीन्स होता है सहलाना, या शीतल मंद धीरे धीरे, ऐसे भी होता है. वर्ल्ड मीन्स संसार. नाइस मीन्स सुंदर. अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर्स के, वो हम देखते हैं. लिखा है, व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू, यानी वो जो छोटी बच्ची है वो अपने दादी से क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे, द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कम हर हेयर, वो अपने बाल को कंघी करवाना चाहती है. नेक्स्ट है, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, ग्रैनी दादी जो है उसके बाल में क्या हेयर करती है, क्या रब करती है, रगड़ती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ग्रैनी रब्स अ लिटिल कोकोनट आयल. ग्रैनी जो है वो क्या करती है, वो थोड़े से कोकोनट आयल नारियल के तेल को क्या करती है, रब करती है, रगड़ती है, ऑन हर हेयर उसके बालों पर. नेक्स्ट, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, क्या वो छोटी बच्ची अपने दादी को लव करती है, प्रेम करती है. एस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी, वो अपने दादी को प्रेम करती है. तो आप भी अपने दादा दादी सबका प्रेम कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए. इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है. तो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर्स पढ़ा और कुछ क्वेश्चन आंसर किए. अब
जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।